तो आज के हमारे प्यारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका टिकटॉक 21 के एक और नए एपिसोड में। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं अमेजिंग हैक्स को लेकर जो हमने कल अधूरे छोड़ दिए थे। तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट और चैनल को कर दो सब्सक्राइब जल्दी भाग के। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले अमेजिंग हैक का नाम है तुम्हारी नोटिफिकेशन, जिसने तुम्हारे लैपटॉप की साइड में बसड़ मचा दी। तो इनको ना जल्दी से टर्न ऑफ कर लो, क्योंकि ये एक तो तुम्हारा नेट बेफूल में खाती ही खाती है और तुम्हारे लैपटॉप को दुख दर्द भी देती है, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड देती है तुम्हारी जीप को। सेटिंग को होने दो ओपन। ओपन होने के बाद तुम्हें जाना है सिस्टम में। सिस्टम में जाके उसे तुम्हें ऑफ करना है। बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे तुम्हें नोटिफिकेशन एंड एक्शंस दिखाई दे रहा होगा, इसको जाके क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद इसको ऑफ कर लो। ऑफ करने के बाद तुम्हें कुछ नोटिफिकेशन जो है बंद होते हुए दिख जाएंगे, लेकिन कुछ बेशर्म अभी भी ऑन होंगे, तो उनको भी जल्दी से ऑफ कर लो। बारी बारी हम करते हैं इनको ऑफ। 1 2 3 का दम तो अगली बवासीर का इलाज। तुम्हें जल्दी से विंडोज और आर के बटन को दबाने। तुम्हें यहाँ पे एमएस इन्फो 32 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको रिमूव करके तुम्हें लिखना है services.msc। जल्दी से इसको कर दो ओपन। तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जाके तुम फटाफट से ना लास्ट में भागो, और यहाँ से तुम्हें विंडोज अपडेट दिखाई दे रहा होगा। तुम सोच रहे होगे ये विंडोज क्यों बंद करवा रहा है, अभी कदों विंडोज अपडेट बंद करा रहा हूँ। तो जल्दी से तुम्हें ऑल टास्क को दबाने। ऑल टास्क ओपन करने के बाद ही तुम्हें स्टार्ट और ओप दिखाएगा, लेकिन तुम्हें उसमें नहीं जाना है, तुम्हें प्रॉपर्टीज में भागने। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद तुम्हें स्टार्ट टाइप मैनुअल कर रहा है। मैंने यहाँ पे मैनुअल इसलिए रखा है क्योंकि इंटरनेट मेरी मर्जी के बिना फूक नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसको ऑटोमेटिक रखा होगा। ऑटोमेटिक तो बिल्कुल भी मत रखना, जिसकी वजह से तुम्हारा सिस्टम स्लो हो जाता है। मैनुअल कर लो इसको जल्दी से और कर दो अप्लाई। अप्लाई करने के बाद इसको कर दो बंद फटाक से। तो अगली इलाज का नाम जो कि है 011-25-53। तो जल्दी से दबाओ अपने विंडोज को। विंडोज को दबाने के बाद तुम्हें जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स खोलने का इंतजार कर लो और उसके बाद बताता हूँ करना है क्या। तो जल्दी से खोल लो अपने स्टोरेज को। स्टोरेज में तुमने कुछ जो है वो ऑफ रखा हुआ है। ये तुम्हारी फ्री अप स्पेस को खाली कर देते हैं, जो कि तुम्हारे कंप्यूटर में बाहर बन के बैठी। तो इसको जल्दी से ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद तुम्हारा काम खत्म। तो अगला इलाज है तुम्हारे कंट्रोल पैनल में। यहाँ पे तुम्हें कंट्रोल पैनल दिखाई दे रहा होगा, इसको ओपन कर लो। ओपन करने का इंतजार कर लो। यहाँ पे हो गया ओपन, और जाना है तुम्हें सिस्टम एंड सिक्योरिटी में। सिस्टम एंड सिक्योरिटी खुलने का इंतजार करो। इसके बाद तुम्हें जाना है सिस्टम में। सिस्टम भी खुलने ले दो। यहाँ पे तुम्हें एडवांस सिस्टम सेटिंग्स दिख रहा होगा, इसको ओपन करो और सेटिंग्स को जाके ओपन करो। ओपन करने के बाद विजुअल इफेक्ट्स में तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा विंडोज चूज करेगा कि तुम्हारे परफॉर्मेंस क्वालिटी किस चीज़ पे डिपेंड होगी। इसको जल्दी से कस्टम कर लो, क्योंकि तुम लोग जो है वो जल्दी से जल्दी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और इस वजह से जो है तुम्हारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस लो हो जाती है। तो अपनी ग्राफिक्स क्वालिटी को यहाँ से हटा लो और यहाँ से कम कर लो, ताकि कंप्यूटर पे लोड होने का टाइम जो है वो कम हो जाए और उस पे भार जो है वो कम पड़े। तो गिन लेना इन बवासीर के इलाजों को। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। चलो गुड बाय टाटा जय हिंद। अभी कुछ नहीं हो रहा तो सुनो मेरी बात। अपनी सीट वजह से जो है तुम्हारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस लो हो जाती है, तो अपनी ग्राफिक्स क्वालिटी को यहाँ से हटा लो और यहाँ से कम कर लो, ताकि कंप्यूटर पे लोड होने का टाइम जो है वो कम हो जाए और उस पे भार जो है वो कम पड़े। तो गिन लेना इन बवासीर के इलाजों को। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। चलो गुड बाय टाटा जय हिंद।